जय हिंद दोस्तों, PS1 कमांडो पे से चला आपका स्वागत है। मैं प्रियंशु सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है वो SSC GD की जो तैयारी हो रही है, इसमें जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है स्पेशली। मैं उनको जो 5-6 टिप्स बताऊंगा जो उनको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पहला टिप्स ये है कि अगर शिफ्ट वाइज जो एग्ज़ाम चलने वाला है 10 जनवरी से जो स्टार्ट हो जाएगा, पहले शिफ्ट से ही आप एक नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आप इस नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आपके जो एग्ज़ाम में आने वाली जो क्वेश्चन है या कि जब भी आपका एग्ज़ाम रहेगा उसमें ज़्यादा हेल्प मिल सकती है आपको। और ये नहीं कि सिर्फ नोट्स बना के उसको रखे रहना है, आपको सुबह डेली रिविज़न करना है और उस बेस के जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी हिसाब से आप उस चैप्टर को ओपन करके डिटेल से पढ़ाई करना है। प्लस कभी कभी क्या होता है कि मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं SSC GD की जब तैयारी करता था उस टाइम, तो मैं क्या करता था, प्रत्येक शिफ्ट का मतलब तीनों शिफ्ट का पेपर होता था, मैं तीनों शिफ्ट के पेपर को नोट्स तैयार करता था। मेरा थोड़ा GK वीक था और थोड़ा हिंदी वीक था, तो इसीलिए मैं GK और हिंदी का ज़्यादा नोट्स बनाता था। क्योंकि क्या होता था, GK में जो क्वेश्चन मतलब शाम के टाइम या तीनों शिफ्ट का जो पूछते थे, मैं शाम के टाइम में एक वीडियो देख लेता था। मैं लाइव कभी वीडियो देखता नहीं था, रीज़न इसका था मेरे पास टाइम कम था। अगर लाइव में वीडियो देखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था मेरा, इसलिए मैं लाइव कभी वीडियो देखा ही नहीं। मैं डाउनलोड करके रखा था उसको पॉइंट में, मतलब 1.2 में या 1.5 में उसको स्पीड में करके मैं वीडियो को देखता था, उसको नोट्स बनाता था रुक रुक के। तो मैं क्या करता था, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। पहले मैं क्या करता था, जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए रहते थे मैं उस शिफ्ट को नोट्स बनाता था, और उस शिफ्ट को नोट्स बनाने के बाद रात में यानी 7 बजे से पहले मैं सारे नोट्स को क्लियर कर, जितना एग्ज़ाम जब तक रहता था मैं शाम को अपडेट मुझे मिल जाता था कि इस शिफ्ट का मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर तीनों का मुझे मिल गया है। मैं नोट्स बनाने के बाद हर क्वेश्चन को गूगल करता था, गूगल करने के बाद उससे अटैच क्वेश्चन जो होता है विकीपीडिया को पढ़ता था और उस हिसाब से मुझे क्वेश्चन को अटैच करता था कि ये क्वेश्चन अगर पूछा है तो अगली शिफ्ट में इस क्वेश्चन को रिवीजन कर सकता है, तो मैं उससे भी बिलोंग करता था। मैं उसको अगर नहीं आ रहा है तो तुरंत कोशिश करिए कि उस चैप्टर को क्लियर करने के लिए, अगर आपके पास चैप्टर क्लियर करने का समय नहीं है तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को विकीपीडिया पर डालिए, उसके क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा अपडेट वो आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है लड़के गलती करते हैं GK और हिंदी में, तो आपको GK हिंदी आप गूगल करेंगे तुरंत आपका उस डिटेल्स में आपका वो क्वेश्चन मिल जाता है। तो मैंने ऐसे ही किया था और मैं ज़्यादा क्वेश्चन को कमांड कर पाया था पिछली बार SSC GD 2018 में। तो आपको भी ऐसा ही करना है। और एक और प्लस पॉइंट, आपको ये नहीं कि आपको विकीपीडिया पे ही आपको डिटेल्स में पढ़ाई करना है, आपको डेली 1 प्रतिशत लगाना ही लगाना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा 101% बढ़ेगा, इसमें आपका नंबर भी अच्छा से अच्छा आ सकता है इस बार, ठीक है। आप जो भी लड़के हैं आपको ज़्यादा कोशिश करना है इस बार, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करेंगे, आपको 101% 4 से 5 क्वेश्चन का आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। इतना जान लीजिए, जितना भी शिफ्ट का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको याद रखिएगा, जितने भी शिफ्ट का, अगर मान लीजिए 10 दिन के शिफ्ट का अगर रिवीजन करते हैं तो 10 दिन शिफ्ट का रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन वही हुबहू मिल जाएगा, लेकिन अगर इर्द गिर्द घूमने वाला जो क्वेश्चन आता है वो भी मिल जाता है। आप विकीपीडिया पर डालेंगे या गूगल करेंगे तो उसके आजू बाजू के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको वहीं से मिल जाते हैं। आप कभी भी देखते होंगे SSC GD का जितना भी क्वेश्चन रहता है आप गूगल करते हैं तुरंत क्वेश्चन मिल जाता है आपको। क्यों मिलता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो होता है कहीं ना कहीं वहीं से गूगल से ही उठाता है क्वेश्चन, आपको अपडेट कर देता है वहाँ पे ऑनलाइन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इसीलिए आपको डेली शिफ्ट वाइज आपको नोट्स बनाना है क्वेश्चन का शिफ्ट वाइज का, और साथ में आपको प्रतिशत सॉल्व करना है। और मैं आपको एक और मतलब बता दे रहा हूँ कि आपको ये डेली शिफ्ट का जो मतलब चैनल कौन सा चैनल है, आपको डेली शिफ्ट का रीजन मिल जाएगा हर एक मतलब पॉइंट टू पॉइंट और फुल डिटेल्स में आपको मिलेगा। एक मैं ऐप चैनल का नाम बता रहा हूँ जहाँ से मैं पढ़ाई करता था, मैं पिछले 5 साल से उसी चैनल से पढ़ाई करता था, यानी मैंने उस चैनल को पढ़ना स्टार्ट किया था 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 तक मैंने पढ़ाई किया उस चैनल से। उसका नाम है टॉप ट्रेंडिंग GK। मैं उस चैनल पे ज़्यादा विश्वास इसलिए करता हूँ क्योंकि उनका जो बताने का तरीका और हर क्वेश्चन को ऑथेंटिक जो क्वेश्चन होता है वही उन हिसाब से वो क्वेश्चन बताते हैं, इस हिसाब से उनको डिटेल्स में भी बताते हैं, और उसका PDF भी इशू होता है उनका उस क्वेश्चन का मतलब आपके शिफ्ट वाइज का, तो आपको वहाँ से भी आपको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। बाकी और भी चैनल है, मैं बाकी और चैनल का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं जिस चैनल से पढ़ाई किया हूँ उस चैनल का मुझे ज़्यादा विश्वास है कि उनका जो क्वेश्चन है वो कभी कभी मिल जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर ये पूछेगा, कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन क्या करते हैं GK का ही बहुत ज़्यादातर रिवीजन करते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है हिंदी के भी रिवीजन करते हैं, तो GK का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको वहाँ से 100% मिल जाएगा। बाकी मैथ का और भी चैनल है, जैसे रोजगार भी अंकित का हुआ, एग्जाम पूर्व हुआ, उन सब के भी आपका मैथ का वहाँ से क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो आपको क्या है कि सभी क्वेश्चन को उठाना है, आपको नोट्स बनाना है, और उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन है उसे टॉपिक वाइज यानी जो उस शेड्यूल में आता है उस क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है।
आप कोशिश जरूर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सॉल्व करने के लिए। आपको अगर प्रैक्टिसेट दोस्त प्रैक्टिसेट नहीं मार पा रहे हैं 24 घंटे के अंदर, तो आप एक प्रैक्टिसेट जरूर सॉल्व करिए। और जो नोट्स बनाएंगे आपको सुबह में, उसको एक बार एक घंटे में पूरा रिवीजन कर लेना है। जो आपको आता है उसको रिवीजन नहीं करना है एक बार में पढ़ने के बाद, अगर जो नहीं आता उसी को आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और मैं कटअप बता दे रहा हूँ, स्पेक्ट्रेट कटअप क्या हो सकती है इस बारे में, क्योंकि क्योंकि उसमें जो मतलब कुछ स्टेट है उनकी जो पिछली बार कटअप बहुत हाई गई थी, मैं उस हाईएस्ट स्टेट जो जो मतलब टॉपर कैटेगरी में आते हैं स्टेट जो, उनकी कटअप बहुत ज़्यादा हाई आती, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। पहला दिल्ली और उत्तराखंड की जो कटअप गई थी, मतलब जनरल की जो मेल की कटअप गई थी, वो 61 की गई थी। यानी 61 की जो कटअप गई थी वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे। बाकी उत्तराखंड और दिल्ली का ये आपको बता दिया। और राजस्थान और हरियाणा की जो कटअप गई थी वो 63 की गई थी, ये आपका फिजिकल की कटअप गई थी। और यूपी का भी मैं बता दे रहा हूँ, यूपी का भी इसी हिसाब से कटअप गया था 65 नंबर का, यूपी बिहार का दोनों मिला के 65 नंबर का कटअप गया था। ये 100 क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 से 55 क्वेश्चन करेंगे, 80 क्वेश्चन में सही आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा इस बार जीडी में। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से आप जरूर पढ़ाई करिए, 101% आपका नंबर अच्छा से अच्छा आएगा और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, ठीक है। मैं और कोई बात नहीं थी, बस मुझे यही बात बतानी थी जो मुझे जानकारी थी, जो मैंने किया है अपने लाइफ में, और मैं कैसे पढ़ाई करता था और मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ, मेरा यही मेन मकसद था। क्योंकि मुझे टाइम कम रहा है, आपके पास टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम रहता था और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना रहता था, इसलिए मुझे यही मैं तरीका अपनाता था। ज़्यादातर मैं क्या करता था ये कि जैसे गूगल करके मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। गूगल जैसे मान लीजिए कि मैथ का तो गूगल पे नहीं मिलता था ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन हिंदी का और क्या बोलते हैं जीके का, ये दो चीज़ तो गूगल करने के बाद 101% हूबहू क्वेश्चन मिल जाता है। और उसके इर्द गिर्द भी क्वेश्चन आजू बाजू में भी वो रहता है, जो क्वेश्चन आप विकिपीडिया खोलेंगे या फिर और भी डिटेल्स में जाएंगे तो उसके इर्द गिर्द भी क्वेश्चन मिल जाता है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, आपको डेली रिवीजन करना है शिफ्ट वाइज का, आप उसका नोट्स भी बनाना है, ठीक है। मैं मुझे और कोई बात नहीं बतानी थी, बाकी दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मतलब नज़दीक आ गया है, 2 से 3 दिन बचा है आपके लिए, तो ये मेरी जो बात है आपको याद रखना है और आपको हमेशा हेल्पफुल होगी। बाकी चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलेंगे। जय हिंद।